देखिए, अब तय हो गया कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। दरअसल जो बैठक राष्ट्रीय जनता दल की चल रही थी, जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव कर रहे थे, इस बैठक में ये तय किया गया कि जो समर्थन राष्ट्रीय जनता दल का मौजूदा महागठबंधन की सरकार में है, वो समर्थन हम वापस नहीं लेंगे। आज जब राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकलते हैं, तो वो कहते हैं कि मौजूदा महागठबंधन की सरकार में सबसे ज़्यादा काम युवाओं के लिए किया गया। जिस तरीके से ये सरकार चल रही थी, इस सरकार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर काम कर रहे थे जो बिहार को विकास की ओर ले जा रहे थे, और हम ये कैसे सोच सकते हैं कि इस गठबंधन से समर्थन वापस ले लें। दरअसल जो प्रकरण बिहार में पॉलिटिकल चल रहा है, जिसमें महागठबंधन की सरकार अस्थिर नज़र आ रही थी, और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगभग ये साफ कर दिया गया है कि अब ये दोस्ती आगे नहीं चलने वाली, वहीं इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल का ये फैसला साफ करता है कि अब आरजेडी कोटे से जितने भी मंत्री हैं, खुद तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, तो हम में से कोई भी व्यक्ति इस्तीफा नहीं देने वाला। जो भी स्टेप लेना होगा वो अब जनता दल यूनाइटेड लेगी और उसके मुखिया नीतीश कुमार लेंगे। निश्चित तौर पर ये बड़ी बैठक इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जनता के बीच ये मैसेज देना चाहती है कि हम सरकार को बेहतर ढंग से चला रहे थे, युवाओं को रोजगार मिल रहा था, जो विकास के कार्य थे वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को तोड़ा। और अब जब कल जनता दल यूनाइटेड अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी, और ये भी चर्चा तेज है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राज्यपाल से मिलेंगे तो वो इस्तीफा सौंपेंगे, ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के बैठक से ये स्पष्ट कि अब कोई इस्तीफा नहीं होगा, तो मजबूरन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तमाम जो आरजेडी कोटे से मंत्री हैं उन्हें बर्खास्त करना होगा। अब जब इनकी बर्खास्तगी होगी तो ये मैसेज जनता के बीच जाएगा कि सरकार को अस्थिर जनता दल यूनाइटेड ने किया, ना कि राष्ट्रीय जनता दल ने। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात अगर की जाए तो उस दौरान जो वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिले थे, जो लोकप्रियता तेजस्वी यादव की हुई थी, उस लोकप्रियता को एक बार फिर बरकरार करने के लिए आज की बैठक में ये जो फैसला है वो लिया गया, और तमाम गठबंधन से जुड़े फैसले लालू प्रसाद यादव लेंगे, उन्हें इसीलिए अधिकृत भी किया गया है। आप बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।